2005 में मोनाको के प्रिंस रेनियर III की मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हुई थी। 2 साल बाद राजकुमार का सम्मान करने के लिए 81 लिमिटेड एडिशन पेन बनाई गई। सफेद सोने से बनाई गई इस पेन के ऊपर 996 हीरे और 92 रूबी लगाए हुए हैं। इस पेन की कीमत है 1,83,00,000 रुपए। चौथे नंबर पर है कैरेन डी एचे द मॉडर्निस्ट डायमंड पेन। कैरेन डी एचे पेन को कैटलन मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट एंटोनियो गोडी के सम्मान में डिजाइन किया गया था। इस पेन के ऊपर 5,072 हीरे और 100 रूबी लगाए गए हैं। इसे बनाने के लिए ज्वेलर को 6 महीने लगे थे। इसकी कीमत है 1,86,00,000 रुपए। तीसरे नंबर पर है मोंट ब्लैंक मिस्ट्री मास्टरपीस। मोंट ब्लैंक कंपनी को 100 साल पूरे होने की खुशी में इस कंपनी ने मिस्ट्री मास्टरपीस नाम की पेन बनाई। इस पेन को व्हाइट गोल्ड से बनाया हुआ है और इस पर कई हीरे, नीलमणि और रूबी लगाए गए हैं। इस पेन की कीमत है 5,13,00,000 रुपए। दूसरे नंबर पर है अरोरा दी अरोरा डियामेंटे। प्रतिवर्ष किसी एक भाग्यशाली अमीर व्यक्ति को ही ये पेन मिल सकती है। इस पेन के ऊपर 30 कैरेट के हीरे लगे हुए हैं और एक बड़ा कैबोकॉन हीरा लगा हुआ है। इस पेन की कीमत है 10,34,00,000 रुपए। और पहले नंबर पर है तिबाल्दी फुलगोर नोक्टर्नस। ये दुनिया की आज तक की बनाई हुई सबसे महंगी पेन है और ऐसी सिर्फ एक ही पेन बनाई गई है। इसे बनाने के लिए डिवाइन प्रोपोर्शन ऑफ फाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक से पिरामिड्स भी बने हुए हैं। 2010 की नीलामी में इस पेन को 56,29,00,000 रुपए में बेचा गया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे महंगी पेन्स। क्या आपने ऐसी पेन्स किसी